नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। 9 नवंबर को जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों साल पुराने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया तो पूरे देश ने इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस की माउथपीस कहे जाने वाले अखबार नेशनल हेराल्ड में इस फैसले को लेकर कुछ ऐसा लेख छपा जिससे बीजेपी भड़क गई। सिर्फ बीजेपी ही क्यों, अगर आप भी नेशनल हेराल्ड में छपे लेख का टाइटल देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल शनिवार को अयोध्या मामले में आए फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस की परेशानी रविवार को पार्टी के ही मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने बढ़ा दी। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें फैसले के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की तुलना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से कर दी गई। अखबार में प्रकाशित हुए इस लेख पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेर लिया। एक संवाददाता सम्मेलन में लेख का हवाला देते हुए संबित पात्रा ने बताया, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय दिया जैसा शुरुआत से विश्व हिंदू परिषद और भाजपा वाले चाहते थे, जबकि कोर्ट ये बात मान रहा है कि गैर कानूनी तरीके से न सिर्फ मस्जिद गिराई गई बल्कि विवादित स्थल के नीचे मूर्तियां रखी गई। लेख में दावा किया गया है कि अयोध्या विवाद पर आया फैसला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाता है जिसने कथित तौर पर पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को अवैध कार्य करने की अनुमति दे दी थी। ये दुखद है कि इस तरह का लेख अखबार में लिखा गया। भारत की तरह किसी अन्य देश का न्यायतंत्र पारदर्शी नहीं है। इस लेख ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। बीजेपी ने इस लेख पर ऐतराज जताते हुए कांग्रेस को घेरा तो अखबार ने माफी मांगने के साथ ही वेबसाइट से ये विवादित लेख हटा दिया। एक माफीनामा जारी करते हुए नेशनल हेराल्ड ने लिखा, अगर इस लेख से किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और नेशनल हेराल्ड इनसे सहमत नहीं है। नेशनल हेराल्ड ने इस लेख से संबंधित लिंक को भी सोशल मीडिया से हटा लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व के नाराजगी जताए जाने के बाद ये माफीनामा प्रधान संपादक ने जारी किया। बता दें नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL से संचालित होता है। नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा भी हैं, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह देखते हैं।